पहली बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। इस एपिसोड को अब तक का सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यू दिया गया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल। Two days later. It's very very important. The government has now banned 118 more Chinese apps, including PUBG. ये PUBG वाला है। आगे स्वाद को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओपी बोलते और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं माता चोदूं। तो भाई आखिरकार मोदी जी ने पबजी की गांड में डंडा दे ही दिया, जैसे टिकटॉक की गांड में दिया था। तो भाई एक ना एक दिन ये तो होना ही था, क्योंकि पबजी में थोड़ा शेयर टेंसेंट का भी है और टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। क्योंकि मोदी जी को पता था कि चाइना मादर चोद है, इसलिए उन्होंने पबजी ही बैन कर दिया। लेकिन मोदी जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले उन्होंने पॉन बैन करा, उसके बाद मुजरा सेंटर, और अब पबजी। एक काम करो ना, ये लो हमारा फोन, इसको मारो फैक्ट्री रीसेट और फिर इसकी बनाओ बत्ती और फिर अपनी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भाई अब एक बात तो तय है कि 2024 में पप्पू राहुल गांधी जी ही इलेक्शन जीतेंगे। मैं लिख के देता हूँ, लिख के दीजिए। मादर चोद अपना काम करना। पबजी बैन के बाद कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें खुशी हो रही होगी, और उनमें से सबसे पहले ये औरत। ये तो भयंचक भंडारा करा रही होगी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अफेक्ट तो स्ट्रीमर्स को हुआ होगा जो रेगुलर पबजी की स्ट्रीम करते थे। ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरा गेम नहीं खेल सकते, वो खेल सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में उनकी हालत कुछ ऐसी होगी। PUBG मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। असंभव, असंभव, तो असंभव। तो भाई लास्ट में मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने पबजी की मां चोद दी बड़े आराम से। तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करे बिना मत जाना। ऐसी वीडियो हम आके और लाते रहेंगे। और भाई ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पबजी 7 दिन के अंदर अंदर अनबैन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो लूडो खेलो वेंचर क्या जाता है। तो भाई मैं चलता हूँ। चला जा भोसड़ी के।